एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। और मेहंदी की कलर देखो कितनी सही आई है अभी। और आज है तीज एक्चुअली और कल है गणेश पूजा, तो दोनों चीज़ें एकदम नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। और फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं गणपति ला रही हूँ घर पे। लाइक मेरे ससुराल में तो होता ही है हमेशा से, बट इस बार मैं ससुराल नहीं जा पा रही हूँ। पिछले बार मैं गई थी, अगर आप लोग को पता होगा तो पिछले बार मैं ससुराल गई थी बट नहीं हुआ था, कुछ किन्नी का कुछ तो हुआ था तो उसके वजह से। बट इस साल मैं सोची हूँ कि मैं तो नहीं जा पा रही हूँ पर गणपति जी को घर लेके आऊँ। तो सुबह क्या हुआ बताएं, फर्स्ट थिंग तो विवेक यहाँ पे नहीं थे, तो रात को वो 3:30 बजे के आसपास आए हैं। उसी टाइम पे मम्मी को भी उठना था सरगई करने के लिए, और इतनी ज़्यादा नींद में थी मम्मी, मेरे को बोलती है बेटा छोड़ दे क्या सरगई, छोड़ दे क्या, सिर्फ पानी पी के सो जाते हैं। और लिटरली उन्होंने सिर्फ पानी पिया और सो गई, कुछ खाया पिया नहीं। फिर विवेक आए और उस टाइम पे मैं अराउंड एक घंटा के लगभग जाग गई थी, तो नींद भी अच्छे से नहीं हुई थी। फिर मैं भी थोड़ा लेट सो के उठी हूँ। मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ और ये प्रेगनेंसी में ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ। एनीवे, तो अभी आज है तीज का दिन और आप सबको हैप्पी तीज प्लस गणपति जी की भी ढेरों बधाइयाँ, मतलब हैप्पी गणपति और हैप्पी तीज। और मैं ना डेकोरेशन का सामान कुछ कुछ लाई थी, तो मैं सोची आज ही डेकोरेशन वगैरह करके रख दूँगी, क्योंकि कल पंडित जी बोले हैं कि सुबह ही आएंगे अराउंड 6 बजे। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगवाई थी, पहले तो ये मंगाया था, एक सेकेंड, ये मैंने मंगाया था मीशो से। इससे ना राउंड सर्कल वाला वो बनेगा। और ये सारे फ्लावर्स विवेक लेके आए हैं, कल वो दिल्ली गए थे तो सारे फ्लावर्स लेके आए हैं। सोच रही हूँ कि आज ही अभी से डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरे पास इनफ टाइम हो सारी चीज़ें करने के लिए। आज ही जाना है, गणपति जी को भी लेके आना है, क्योंकि कल सुबह सुबह तो स्टोर खुलेंगे नहीं गणपति जी के लिए लाने के लिए, तो अभी ही जाके शाम में आज जाके लेके आऊँगी। फिर तीज है, तीज के लिए भी रेडी होना है, तीज का भी पूजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल मेरी तो फास्टिंग नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ही था मेरी फास्टिंग नहीं है। पिछले बार क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले बार 2 मास लगा था, तो 2 मास में कुछ नया स्टार्ट नहीं करते, तो मैंने नहीं किया था। इस साल क्या हुआ कि अभी प्रेगनेंसी है तो मैं अवॉइड कर रही हूँ फास्टिंग एंड ऑल, अब अगले साल से करूँगी। तो फिलहाल चलते डेकोरेशन करते हैं और फिर दिखाती हूँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। बाय। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे डेकोरेशन करूँ। और हाँ, ये वाले भी मीशो से ही मंगवाए, तो अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि डेकोरेशन करूँ कैसे, लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखते हैं जो होगा फिर मैं दिखाती हूँ। अभी टेबल भी रेडी हो गया, टेबल भी जा रहा है और ये वाला भी लगाना बाकी है, ओपन भी लगाऊंगी वहाँ पे। क्या मस्त लग रहा है पता है तुमको। हाँ ठीक है, इसका ना सिर्फ यहाँ पे जो बीच वाला है ना, ये वो ऊपर 80 खींच के बांधने से हो जाएगा। नहीं मेरे अच्छा लग रहा है, मतलब बीच में थोड़ा सा लंबा है, साइड से थोड़ा छोटा। हाँ ना, हमको वही लग रहा था, अच्छा दिख रहा है, हमको वही लग रहा था। तो मम्मी अच्छा लग रहा है, ब्लर हो गई तुम, बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आ गई अभी नहा के, क्या आया क्या पता, छोटू सा है, नहीं पता, बंद ये बंद है ना, बंद कर दूँ क्या, खोल लो, क्या है, क्या बात है, ओ नेल, नेल्स नहीं मंगाए थे जो, अच्छा आ गया। मेरा हो गया पूजा वगैरह, मम्मी बेचारी बना रही है, एक्चुअली बनाने मैं ही गई थी, खाना मतलब पराठा बना रही हो ना, बट मेरे को ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है पेट में, शायद पता नहीं गैस की वजह से हो रहा होगा, या तो मैं सजाने के टाइम पे ना बहुत ऊपर नीचे कर रही थी ना बैठ के, पता नहीं क्यों। वगैरह खा के फिर पहले रेडी होंगे मम्मी, मम्मी का तीज है, मम्मी फास्टिंग में भी है बट पूजा नहीं करेगी, उनको पूजा करने का है नहीं, तो मैंने कर लिया पूजा। और तीज के लिए बस वही रेडी वेडी हो करके प्रणाम वगैरह करूँगी। प्रणाम वगैरह तो कर सकती हो ना माँ,
प्रणाम वगैरह करके और देखेंगे, बाहर जाएंगे तो आसपास मंदिर होगा तो जाके दर्शन कर लेंगे और फिर जाएंगे गणपति जी को लाने के लिए, रेडी वेडी हो जाएंगे और मम्मी का मेकअप करूँगी अभी जा करके खाना खाने के बाद। चले? हाँ चल। जी कहाँ पे चलोगी? यहाँ पे ही टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे ही, यहीं पे। हाँ यहीं पे बैठ। हाँ चेयर लेके आऊँ। अगर लुक अच्छा आया तो नेक्स्ट टाइम खुद पे ट्राई करके फिर वीडियो शेयर करूँगी, बट पहले एक्सपेरिमेंट मम्मी के ऊपर करूँगी आज। मम्मी का हो गया मेकअप करके रेडी, पूरा लुक दिखा देना मम्मी को। यहाँ पे लाइट सही नहीं आ रहा है, उस साइड जाके देखो। चल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करने लगता है। नहीं कैसा लग रहा है मम्मी का मेकअप, एक बार पूरा लुक दिखाऊंगी ना। और मैं थोड़ा लेट इसलिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि विवेक अभी तक रेडी हुए नहीं है, तो वो रेडी हो जाते ना साथ में ही, फिर गणपति लेने भी जाना है तो उतना देर पहन के कौन रहेगा, इसलिए थोड़ा लेट रेडी होंगे। तब तक मम्मी का सब कुछ कर दिया। जल्दी आओ। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा। देखो पूरा मेकअप। बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसे, अच्छा लग रहा है। अब वो वीडियो ले लो, हमारा ले लेंगे वीडियो, फिर हम जाएंगे रेडी बनाने। सो गई मैं रेडी, कैसी लग रही हूँ माँ? बहुत बाल भीगा ही है मेरा अभी तक, देखो पूरा बाल भीगा है, पूरा लुक दिखाती हूँ बाहर जाके। आ जाओ मम्मी। पूरी रेडी। विवेक अभी गए हैं बाहर, उनसे मैं पूछूंगी कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, सुबह से कैसे घूम रहे थे। ठीक है चलो अभी वीडियो को ले लेते जल्दी जल्दी। हाँ मेरे रेडी होते होते लाइट ही चली गई, मतलब नेचुरल लाइट चली गई। अब रिंग लाइट का सहारा लेके लेंगे फोटोज। चलो मम्मी अंदर सिंदूर रखे, ला दो ना। के चक्कर में मैंने अपना जूस नहीं लिया था, अभी मम्मा ने ला के दिया। और इवनिंग स्नैक्स भी नहीं लिया, मेरा बीवी अंदर कूद रहा है कि आज क्या हो गया है, ऐसे तो रेडी नहीं होते हो, और रेडी हुए तो मुझे ही भूल गए, मुझे खिलाना ही भूल गए। तो करती हूँ फिनिश और फिर जाएंगे गणपति जी लेके आएंगे। सारे फोटो वीडियोस लेने के बाद अब हम जा रहे हैं गणपति जी को घर लेके आने के लिए। हाँ, प्रोटीन पाउडर इधर इधर। लाइटिंग एकदम डल हो चुका है, लाइटिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा उस साइड पे। एक सेकंड, विवेक का कॉल आ रहा है। हम चले गणपति जी को घर लेके आने। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक है गणपति जी का। चलो माँ बाल बांध दियो। कब आ गया? लाइट रहने देते हैं अभी। क्रॉक्स पहनूँ इसके नीचे? कौन देखेगा, साड़ी सिर्फ लगा हुआ। फाइनली गणपति। सोनू उनसे पूछो ना, उसका दूसरा पीस होंगे तो सेम कॉर्नर की जो है ना। यहाँ पे एक है वाइट और ये वाइट पिंक में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कौन सा? ये ना। हाँ देखो सोनू इधर,
अच्छे दिख रहा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक वो भी है लगता है लेकिन कसूर लगता है उल्टा। हमारे साइड तो पता भी नहीं चलता है गणपति का। गणपति जी फाइनल हो गए, अभी दिखाऊंगी तो नहीं ऑब्वियसली। हो गए फाइनल गणपति जी, हो गए फाइनल। तो इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ है, मैं अपना पेट बचा बचा के चल रही थी। और कहाँ से लाइट आ रहा है पूरा देखो, नहीं कल दिखाऊंगी ऑब्वियसली, ब्लॉग में तो कल जाएगा। बट गणपति जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। अभी पूजा का सामान ले लें सारा। ये लाइट क्यों आ रहा है सेल्फ मार्केट में? पूजा का सामान ले लें सारा अभी। धीरे से, ज़्यादा टाइट नहीं करना। मेरा फाइनली सपना पूरा हो गया, तुझको पता ही नहीं था कितना ज़्यादा पसंद है। फिलहाल इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मम्मी भी, मम्मी का तो फास्टिंग था आज तो बेचारी चली गई है सोने के लिए। और गणपति पापा भी घर आ गए, सब कुछ हो गया है। विवेक अभी तक मार्केट में है क्योंकि कुछ कुछ पूजा का सामान वो लेने के लिए गए। और फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गणपति ब्लॉग आएगा ऑब्वियसली तो उसमें मिलते हैं। उनको जाऊँगी अभी खाना वाना खा के, मेकअप हटाऊँगी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 11 बज रहे हैं। सो बाय बाय। और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए सी यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा हाँ, मेकअप कैसा लगा ये ज़रूर बता देना।